यूके मैंने जाना है स्टडी वीजे पे जाऊं कि वर्क वीजे पे जाऊं? मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, एशियन कंट्री से हूं, मैंने यूके में जाके सेटल होना है, परमानेंट रेजिडेंस लेना है, पासपोर्ट लेना है, कौन सा तरीका मैं अपनाऊं ताकि जल्दी से मैं डॉक्यूमेंट ले लूं और सेटल हो जाऊं? तो इस वीडियो में हम शुरू से आखिर तक इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आखिर तक देख लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वर्क वीज़ा के और स्टडी वीज़ा के बारे में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। वर्क वीज़ा जो है टियर टू जिसको हम कहते हैं, इस पे आप आते हैं जिसकी 5 साल वैलिडिटी होती है, मतलब 5 साल के बाद आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस पे। तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे एक्सपीरियंस के बाद कि आप वर्क वीज़े पे आएँ। आप टियर टू कैटेगरी का जो वीज़ा है, हेल्थ केयर का वीज़ा है, केयर गिवर का वीज़ा है, किसी भी कैटेगरी में ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप उस पर आते हैं वर्क वीज़े पे, उसमें आप फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम स्टडीज़ भी अगर आपका शौक है तो स्टडीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप 2-2.5 साल के बाद आपको डिग्री भी मिल जाती है, आप सेटल भी हो जाते हो, काम शाम भी चल रहा होता है। 2-2.5 साल और गुजारने के बाद 5 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो आप ILR जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जिसको परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके अपोजिट जब आप स्टडीज वीज़े पे आते हो तो स्टडी वीज़े में आके आपने सबसे पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, उसमें आपने जॉब ढूंढनी होती है, और वो जॉब ढूंढने के बाद आपका फिर वीज़ा कन्वर्ट होता है टियर टू में, जब उस पे फिर 5 साल, तो वो तकरीबन 8-10 साल तक की बात चली जाती है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी तकरीबन सेम है। स्टडी वीज़ा पे आप आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको तकरीबन 9,000-15,000 pounds डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। आप वही गंदी यूनिवर्सिटी देखते हैं लो लेवल की, क्योंकि हाई लेवल यूनिवर्सिटी की फीसें ज़्यादा हैं। ये ड्रामेबाजी है, स्कॉलरशिप मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, वो कोई लेवल ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे गवर्नमेंट है उनकी 20,000, 22,000, 18,000 pounds ये फीस हैं। बाकी जितनी भी थकड़ यूनिवर्सिटी है वो 7,000 से लेकर आपको 15,000 pounds के दरमियान आपको घेर लेते हैं। वो फीसें आप इन्हीं पैसों से आप अपने लिए अरेंज करो वर्क वीज़ा, टियर टू कैटेगरी का वीज़ा। वो उस वीज़े पे आप यहाँ पे आ रहे हो, पार्ट टाइम आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखो। वैसे भी फुल टाइम में भी यहाँ पे हफ्ते में 2 क्लासेस हैं, कहीं पर एक है, कहीं पर 2, मैक्सिमम किसी यूनिवर्सिटी में 3 क्लासेस हैं। वो जो दो दिन लोग वो करते हैं, बाकी तकरीबन पार्ट टाइम होता है, लेकिन फुल टाइम काम करते हैं, जलील होते हैं उसमें, क्योंकि इलीगल होता है, कोई आपको पैसे भी नहीं देता, आपको आपके जो वेजेस होते हैं वो भी हाफ देते हैं। तो अच्छा नहीं है कि आप फुल टाइम आओ, फुल टाइम काम करो और फुल वेजेस लो और पार्ट टाइम स्टडीज़ कर लो अगर आपका स्टडीज़ का शौक है। 2-3 साल बाद आपको डिग्री भी मिल जाती है। तो होपफुली कि ये वीडियो जो आप कुछ सेंस बनाया होगा इसने, क्योंकि बहुत से यंगस्टर उनको ये टेंशन होती है यहाँ आने के बाद डिग्री भी रह जाती है, डॉक्यूमेंट भी रह जाते हैं, सैलरी भी रह जाती है, सब कुछ रह जाता है। तो इसीलिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप वर्क वीज़े पे आएँ, आप अपनी फैमिली का सपोर्ट भी बने, और वो जो पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए फिर वो जीरो से स्टार्ट करने के बजाय 2-2.5 साल के बाद जब आप ILR पासपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन, आप दूसरी कंट्री एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट की तरफ जा सकते हैं। होपफुली के मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी, और जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस चीज़ को इंडोर्स कर सकते हैं, वो भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, अपने रिव्यू दे सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।